डॉन के पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है, लेकिन एक बात समझ लें, डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आखिरकार U4U ने एक यहाँ के बहुत ही बड़े अमिताभ बच्चन के फैन, जो हम आपको पहले भी एक बार मिलवा चुके हैं, उनको पकड़ लिया है। उनके ऑटो रिक्शा, जिसका उन्होंने स्पेशल उसके जो है खिड़की के ऊपर डॉन भी लिखा है, और अगर दूसरी साइड ले चलें आपको तो बिग बी भी लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ये हमारा एक खास ब्रॉडकास्ट जो कि हम बिग बी के लिए करने जा रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि कल अमिताभ बच्चन का जो है जन्मदिवस है। देश भर में जो है अमिताभ बच्चन का जन्मदिवस मनाया जाएगा, और जिस तरह से हम लोग कोशिश भी करते हैं आपको जन्मदिवस के बारे में बताने की, तो फिलहाल कल अमिताभ बच्चन का जन्मदिवस है। कल जो है अमिताभ बच्चन 74 ईयर्स के हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ, इलाहाबाद के रहने वाले अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो इस सदी के युग पुरुष, अवार्ड्स की बात करें तो इतने अवार्ड्स हैं उनके लिए कि अगर हम बताना शुरू करेंगे तो इतनी लंबी जो है लिस्ट है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। तो अमिताभ बच्चन आजकल कौन बनेगा करोड़पति काफी पॉपुलर शो है, इंडिया का नंबर वन शो है जिसमें कि अमिताभ बच्चन खुद होस्ट करते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ भी जम्मू में एक अमिताभ बच्चन के फैन है, जो कि अमिताभ बच्चन के लिए हर बार जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और अमिताभ बच्चन के नाम पे इन्होंने यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा भी रखा हुआ है और ऑटो रिक्शा चलाते हैं। डॉन एक खिड़की पे लिखा है, एक पे बिग बी। तो सर सबसे पहले एक बार आपका फिर से स्वागत है यू फॉर यू वॉइस पे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुंदर कुमार। क्या सूझा कि अमिताभ बच्चन का फैन बनने का आपको? अब देखिए, जो आदमी अच्छा होता है जो जी, उसका फैन बना तो बहुत नासुक बात है जी। मतलब उनमें इतनी खूबियां हैं कि हम वो खूबियां बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को पता कि उनकी खूबी क्या है जी। आप तो पूरा पहनावा भी उनकी तरह ही डालते हैं, जिस तरह से अगर हमें याद हुआ कूली मूवी, इसी तरह से उनका पहनावा था जी। जी देखिए, कूली में तो खैर वो उनका काम है, अब मेरा जो ऑटो रिक्शा काम है, हमारी जो यूनिफॉर्म लगती है, वो अपना काम करते तो अपना किरदार भी बहुत ही मतलब खूबी से निभाते हैं। हर साल आप इनका जो है जन्मदिन मनाते हैं सुरेंद्र जी, किस तरह से जन्मदिन मनाते हैं और इस बार किस तरह से मनाने जा रहे हैं? देखिए, इस बार मेरे को छोटे छोटे शॉट हैं, एक शॉट तो मेरा कूली का होगा और दूसरा शॉट होगा पुलिस वाले का, तो तीसरा शो मेरा जो शॉट है वो आम जैसे मैं पहले उनका जन्मदिन करता था जी। एक कोई गाना सुना सकते हैं आप अमिताभ बच्चन के ऊपर? हाँ जी, गाना तो मैं सुना सकता हूँ जी। जी बोलिए। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो ये प्यार है अमिताभ बच्चन के लिए सुरेंद्र जी की तरफ से। एक ऑटो रिक्शा जो है चालक है, लेकिन हर साल अमिताभ बच्चन का जन्मदिवस मनाना नहीं भूलते। कल सदी के युग पुरुष कहे जाने वाले बॉलीवुड के सरताज, बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन शहंशाह का जन्मदिवस है। तो हर साल हम कोशिश करते हैं सुरेंद्र जी, जिस तरह से अमिताभ बच्चन के लिए कुछ थोड़ा बहुत हो सके उनके लिए जन्मदिवस मनाने की, और हम लोग भी कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखाएं कि किस तरह से देश भर में जिस तरह से अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाया जाता है, सुरेंद्र जी किस तरह से मनाते हैं। तो सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें कितना प्यार करते हैं आप अमिताभ बच्चन से? देखिए, मैं तो जितना मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ उतना ही प्यार मैं अम्मी जी से करता हूँ। मगर ये मतलब बच्चों का प्यार अलग है, बीवी का प्यार अलग है, बहन भाई का प्यार अलग है, मगर मेरे लिए दुनिया में अगर कोई चीज़ है कीमती वो सिर्फ अम्मी जी है। मगर एक बार मैं उनसे मिलूँगा, भगवान मेरी ये ख्वाहिश कब पूरी करेगा ये तो सब भगवान के ऊपर ही है। सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिलेगा आपको? शायद लग भी सकता है, क्योंकि अगर कोई माता रानी के मंदिर जाता है वो फरियाद करता है भगवान मेरा ये काम होना चाहिए, वैसे मैं भी फरियाद करता हूँ। मगर क्या कि हर काम जो है एक बेटिंग में चल रहा है, अब चाहे आप एयरपोर्ट चले जाओगे बोले यार टिकट यार बेटिंग में है, यार स्टेशन चले जाओगे बोले यार टिकट यार बेटिंग में है, अब ये कन्फर्म कब होनी है ये ऊपर वाला ही जानता है। सुरेंद्र जी, फिल्मी डायलॉग मार दिया आपने, ऊपर वाला जानता है। एक चीज मुझे बताइए, अगर कल को मौका मिल गया अमिताभ बच्चन
आपके जिस तरह से आप जितनी खुशी से उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनके फैन हैं, अगर उन्होंने आपको बुला लिया कभी तो फिर कैसा मौका होगा, वो कैसा एहसास होगा? भाई ऐसा मेरे लिए अगर ज़िंदगी में जन्म लेने का एक ही मतलब फ़ायदा होगा कि अगर एक बार मुझे अमीर जी एक बार बुला लें तो यार अमीर जी हमसे ही मिल लो यार, अगर आप जम्मू में तो मिलते हो, एक बार हमसे आके मिल भी लो। मगर कुछ हालात कुछ ऐसे होते हैं कि शायद हो सकता है मैं वहाँ जा नहीं पाता हूँ। मगर मैं आपके चैनल से एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ अमित जी से, यार ठीक है आप अपने फ़ोन पे फ़ोन नहीं कर सकते हो, अपने किसी नौकर के हाथ से या मतलब किसी पे मतलब आप फ़ोन तो करो एक बार यार मुझे, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। मैं आप मतलब ऐसे मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे जब आप मेरे से बात करोगे, तो बाकी मर्जी तो अमित जी की है ना। ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कितना कमा लेते होंगे एक दिन में? भाई ऐसा है, ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है मगर भूखा सुलाता नहीं है, क्योंकि हम रेहड़ी वाले आदमी मेहनत करते हैं, हम कोई चोरचकारी तो करते नहीं है, अपनी मेहनत से खाते हैं। बाकी तो 400-500 रुपया जो भी होता है उससे हमारा काम चलता है। कहते हैं ना मेहनत की कमाई में बरकत होती है, जो हराम की कमाएंगे या तो वो अपनी उम्र से पहले चले जाएंगे या उनके बच्चे ऐसे निकलेंगे वो सब मतलब मिट्टी हो जाएगा। सुरेंद्र जी कभी भी आप इस अमिताभ बच्चन के गेटअप में निकलते हैं, कभी ऐसा तो नहीं लगता लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, आपके दोस्त? देखिए उसमें ऐसा है जो ऐसे काम करता है लोग उनको क्या कहते हैं, अरे तो पागल जा रहा है। जी बिल्कुल, कौन जा रहा है? पागल जा रहा है। पागल का मतलब ये हो गया है अगर मैंने ये सूट पहना हुआ है, ठीक है 4-5 साल पुराना है जैसा भी है, मैंने आज तक कभी पूरा ही सूट पहना होगा, मैंने वाइट ही पहना होगा। क्यों पहना मैंने, किस लिए पहना हुआ है? क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है, अमित जी को अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान की जो एक है शोहरत, शोहरत इंसान को पैसे से नहीं मिलती है, शोहरत इंसान को पैसे से नहीं मिलती है, वो इंसान की काबिलियत पे मिलती है। तो मैं अमित जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं मेरे में तो कोई ऐसी काबिलियत दिखती नहीं है। पर लोग मुझे, मेरा अगला सवाल, आजकल तो बड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता थिएटर जाने का, लेकिन एक वक्त था, मुझे आपकी भी मैंने थोड़ी बहुत आपकी लाइफ हिस्ट्री जानी है, पहले दिन पहला शो आप अमिताभ बच्चन की मूवी का देखते थे, चाहे वो स्वर्ण टाकी हो, चाहे वो अप्सरा टाकी हो, चाहे वो हरी टॉकी हो, जो हमारी पुरानी थिएटर है, उस टाइम कैसा माहौल होता था, अमिताभ बच्चन की मूवी में कितना रश रहता था और कितनी आपको ब्लैक में भी मूवी की टिकट लेनी पड़ी है? भाई इसकी वो क्या बोलते हैं, इसकी पिक्चर लगी थी दोस्ताना हमारे केसी सिनेमा में। जी जी, तो हम वहाँ पिक्चर देखने गए थे, तो टिकट तो शायद हमने ब्लैक से ली थी, मगर उस टाइम पे मैंने 150 रुपये की टिकट ब्लैक में ली थी। क्या बात। और जैसे मैं स्टार्टिंग में पहुंचा, कास्टिंग कुस्टिंग हो गई, मतलब खत्म हो चुकी थी, मैंने कहा यार तो मुझे मज़ा नहीं आया यार, क्या हो गया या पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस वक्त मैं मतलब 500 पिक्चर के देखता था एक ही दिन में, 500 देखने, उसके बाद फिर वो जब दिल किया देख लिया, तो रात को नींद आराम से बदल दी, यार चलो यार पिक्चर तो देख ली मैंने। तो बस मतलब इंसान प्यार किसी से भी कर ले, अब चाहे प्यार आप किसी कुत्ते के बच्चे से कर लो, है वो भी इंसान है, मुझे को वो बोल नहीं सकता। तो मैंने भी प्यार किया, इसलिए देखो ना ये मर्द भी लिखाया आपने, ये मर्द मूवी के आने के बाद आपने लिखा। ये कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला यार तू अमित जी का बहुत बड़ा फैन है, मैंने कहा नहीं यार मैं कहाँ फैन हूँ यार, यार शोर तेरे को, तू सोचता कि इस सुई से तो बीमार हो जाएगा, मैंने कहा लिख दे यार कोई बात नहीं, फिर क्या अब अपने भगवान का नाम लिखना तो कोई बुरी बात तो है नहीं है, उन्होंने लिखो नहीं। हालांकि उसमें क्या मैंने 5-7 दिन मैं थोड़ा बीमार भी लगा, इन्फेक्शन हो गई थी। जी ठीक। सुरेंद्र जी आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, बागी बहू में आपका स्टैंड है ऑटो रिक्शा स्टैंड, तो टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अमिताभ बच्चन मिल गए आपके साथ फोटो खिंचवाई हो? हाँ वो आते हैं ना, जब वो देखते हैं डॉन लिखा हुआ, अरे जो हमारे जो यार दोस्त हैं हमारे जो ऑटो स्टैंड के हैं, जो हमारे जो यार दोस्त हैं, बोले चलो जी आपको बिग बिग ऑटो में भेजते हैं। तो शायद कभी ऐसा होता कि ऑटो स्टैंड पे लगा हुआ है तो मैं किसी शॉप पे होऊंगा तो बोलते हैं ए बिग बी साहब चले आओ यार, मैं रुक यार मैं आ रहा हूँ ना। तो जैसे मैं रोड को क्रॉस करता हूँ उसमें तो यार ये तो बिग बी आ रहा है यार, तो बैठते मेरी गाड़ी में तो बोलते यार बिग बी साहब यार क्या बात कर रहे हो यार, हम बम्बई से आए यार तो आप हमारे पीछे पीछे आ गए। मैं यार मैं कहूँ बिग बी भाई साहब, बिग बी तो बहुत बड़ी हस्ती है, मैं तो छोटा सा कतरा हूँ। बोला नहीं भाई साहब जो आप हो आपको नहीं पता आप क्या हो,
मैंने कहा ये तो आपका बड़प्पन है यार, यू मुझे इस काबिल समझते हो। तो बाकी मेरे साहब वो फोटो ले जाते हैं गाड़ी के पीछे, ये कल ही एक दो परसों एक सी एड बनी थी अमित जी की, तो जैसे जैसे कि मैंने इनका ये फोटो लगा रखी है, अब जब तक ये गाड़ी रहेगी तब तक ये फोटो यहाँ रहेगी, जब तक रहेगी। सुरेंद्र जी ऑटो रिक्शा ही चलाना है कि कुछ सोचा है कि इसके बाद कुछ टैक्सी वगैरह कुछ और डालेंगे? भाई जब पेट इससे भर रहा है तो ज़्यादा आंखें क्यों मारनी कि यार मैं ज़्यादा पैसा इकट्ठा करूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा माल इकट्ठा कर रहा हूँ, हो सकता है बाकी मैं अपने पुरानी जो यादें हैं सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं भगवान का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर। वे भगवान मतलब मेहनत की मुझे देना, मेहनत की बस, मगर मैंने जैसे आपको पहले बताया ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है मगर भूखा कभी सुलाता नहीं। ये भी अमिताभ बच्चन का ही एक डायलॉग है। हाँ जी डायलॉग। और मैंने आपसे ना एक अमिताभ बच्चन का एक और सॉन्ग सुनना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव उनको बताना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन एक ऑटो रिक्शा चालक सुरेंद्र जी जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, काफी देर से जम्मू में अमिताभ बच्चन के फैन हैं। आप देख सकते हैं ऑटो पे भी डॉन लिखा है, दूसरी साइड बिग बी लिखा है, अमिताभ बच्चन के पोस्टर। कल अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है जो कि ऑल ओवर इंडिया में इस जन्मदिन की जो है धूमधाम से लोग मनाते हैं। अमिताभ बच्चन का जो एक मंदिर भी बनाया गया है वहां पे भी कल सुबह से ही काफी रश रहता है, तो जम्मू में भी इनकी एक छोटी सी कोशिश रहती है, ये अमिताभ बच्चन का जन्मदिवस इसी तरह से मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि अमिताभ बच्चन के लिए जो है उनके लिए अपना प्यार शो कर सके। वैसे तो इनकी पूरा गेटअप ही आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन की तरह है, और जब भी यहाँ पर इनके ऑटो में बैठने जो है टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो तो दूर से इनको देख के ये सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन आए हैं। आइए हम भी आपको थोड़ा और दूर से दिखाते हैं, आप भी देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि अमिताभ बच्चन ही खड़ा है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन नहीं, ये अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी की बात करें तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, काफी देर से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके दिल में एक ही उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन से इनको मिलने का मौका मिले और ये अमिताभ बच्चन से मिले और अमिताभ बच्चन से जिस तरह से अपना प्यार हमारे थ्रू उन तक पहुंचाते हैं, इनकी भी मर्जी है कि ये अमिताभ बच्चन तक अपना प्यार जो है खुद पहुंचाएं। तो सुरेंद्र जी एक आखिर में, एक अमिताभ बच्चन का कल जन्मदिन भी है तो उनके लिए एक अगर आप सॉन्ग सुना दें हमें तो हम भी सोचेंगे कि अमिताभ बच्चन के लिए आपका प्यार काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आप आज भी सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन तक उनकी आपकी जो है आवाज़ पहुंचे। देखिए सॉन्ग तो आते मुझे आते आते हैं, ऐसी बात नहीं, आपकी पसंद से मैं सॉन्ग गाऊंगा। बोलो आपने कौन सी सॉन्ग सुना है, जैसा आप बोलेंगे कोई भी सुना दें अमिताभ बच्चन का। वैसे तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, आप सुना दें कोई भी, मर्द मूवी का सुना दें, लवारिस का सुना दें, किसी का भी सुना दें। तू मैके मत जाइयो मेरी जान, तू मैके मत जाइयो मेरी जान, तू मैके मत जाइयो, हाँ तू मैके मत जाइयो। जनवरी फरवरी के दो महीना लगती है मुझको सर्दी, अरे तू क्या जाने, तू क्या जाने, अरे तू क्या जाने, सर्दी में मेरी हालत पतली कर दी। तू मैके मत जाइयो मेरी जान, तू मैके मत जाइयो। क्या बात है, बहुत ही खूब। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन खुद गा रहे हैं। आजकल अमिताभ बच्चन भी काफी सारी मूवीज में खुद गाते भी हैं और फिलहाल कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, इस टाइम अमिताभ बच्चन जो है लोगों को जो है करोड़ों रुपए जितवा रहे हैं अपने शो में। तो फिलहाल एक आखिरी मैसेज आपकी तरफ से सुरेंद्र जी, कल जन्मदिवस पे अब लगभग 10 से 12 घंटे ही बचे हैं, तो अब ये 10 से 12 घंटे कैसे कटेंगे? भाई क्या है, मुझे भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। एक मैंने बैनर नया बनाया, बैनर वाले के पास जाना है और फिर बाकी सामान लाना है, मतलब छोटी मोटी आइटमें तो लानी ही पड़ती है इंसान को। केक ऑर्डर दूंगा वो भी शाम को, मतलब भाग दौड़ लगी रहेगी हमारी। सुबह जल्दी उठूंगा, पहले मंदिर जाऊंगा माता के मंदिर जाकर उनको पहले माथा टेकूंगा, क्योंकि माता ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इनका बर्थडे मना सकूं। तो बाकी कल सुबह देखेंगे जैसा भी होगा। जम्मू वासियों को आप बुलाते हैं इस बर्थडे के लिए? आप बुलाना चाहते हैं? आपके चलने से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं हर आदमी को मैसेज करूं, मगर मैं आपके चलने से कहना चाहता हूं, जो भी अमित जी के फैन हैं अपना मतलब कीमती टाइम निकाल कर 10 से 11 बजे के बीच बागेपुर पहुँचें और मतलब उस शोभा की मतलब जन्मदिन की शोभा बढ़ाएं।
और हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे, हर बार आप कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं आगे। भाई आपका चैनल का मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और मतलब मैं आपका भी एहसान नहीं भूलता हूँ, क्योंकि जम्मू का तमाम जो मीडिया है ये मुझे मतलब मैं इनका एहसान कभी भी भूल सकता हूँ, क्योंकि यही मुझे एक दिन मतलब कहीं कहते हैं ना सीढ़ी बाई सीढ़ी मतलब पहुँचाएंगे। अब देखते हैं कल क्या होता है, कल जन्मदिन मनाएंगे तो इसके बाद सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ बात करने के लिए। सुरेंद्र जी लाइव थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हमारे जम्मू के बिग बी। अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की तो इस सदी के युग पुरुष, और अगर बात करें बॉलीवुड की तो बॉलीवुड के बादशाह शहंशाह अमिताभ बच्चन का जन्मदिवस कल है। कल जो है वो 74 साल अपने पूरे करेंगे। 1942 में उनका जन्म हुआ 11 अक्टूबर इलाहाबाद में। और अगर पहली मूवी की बात करें तो 7 हिंदुस्तानी के साथ उन्होंने पहली मूवी में लॉन्च किया अपने आप को 1969 में। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और साथ में ही काफ़ी सारे इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स और 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स और काफ़ी ही सारी लिस्ट है जो है अमिताभ बच्चन की, जिसके अंदर कितने ही अवार्ड्स अभी हम गिनवा नहीं सकते आपको कि अमिताभ बच्चन इतने सारे अवार्ड्स के मालिक हैं। तो फिलहाल ये छोटी सी जो है बर्थडे के लिए तैयारी है सुरेंद्र जी की तरफ से, जो जम्मू के बिग बी हैं कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि वो अमिताभ बच्चन को जो है अपनी तरफ से जो है बर्थडे विशेस दे पाएं, और उनकी कोशिश हर बार सफल भी होती है। तो कल सुबह अमिताभ बच्चन का जन्मदिन जहां हिंदुस्तान भर में मनाया जाएगा और विदेश में भी काफ़ी सारे उनके फैन मनाते हैं, तो सुरेंद्र जी भी जम्मू से जो है उनका जन्मदिन मनाएंगे। आप लोग बने रहे यू फॉर यू वॉइस के साथ। ये हमारी स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी कैमरामैन संदीप सिंह के साथ आशीष कोहली यू फॉर यू वॉइस के लिए।